एसएसपी घोटकी का डाकुओं से राब्तों और तालुकात का इंकशाफ। डीआईजी सखर ने एसएसपी घोटकी के खिलाफ आईजी सिंह को खत लिख दिया। लिखा, एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान गैर पेशा वराना रास्ते पर चल रहे हैं। एसपी घोटकी बदनामे जमाना मुजरिमों के साथ घिनौनी सरगर्मियों में मुलविस हैं। एसएसपी घोटकी के पुलिस अफसरान के कातिल और अगवा में मुलविस डाकुओं से राब्ते में हैं। संगीन सूरतेहाल के पेश नजर एसपी घोटकी से फौरी वजाहत तलब की जाए। शहजाद ताबानी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी शहजाद, बताएगा इस बारे में खत में क्या लिखा गया है? देखें, बिल्कुल आज डीआईजी सखर की जानिब से आईजी सिंह को एक मरासला भेजा गया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि एसएसपी घोटकी जो कुछ दिन पहले ही घोटकी के अंदर तैनात हुए थे, उनके जो है मरासिम है जराइम पेशा अफराद के। ये जराइम पेशा अफराद वो हैं जो पुलिस एहलकारों को शहीद करने के अंदर भी मुलविस थे, उनसे सरकारी असलाह छीनने में भी मुलविस थे और उसके अलावा जो है वो उनके साथ जो है उनके मरासिम जो है आज जो है उनको पता चला है, क्योंकि दो रोज कबल घोटकी के अंदर साबिक एमपीए हैं शहरियार पर जो है हमला हुआ था, उसके अंदर दो लोग जो है उसमें जांबाज हुए थे, जिनकी इंक्वायरी जब की गई है तो उसमें ये पता चला है कि उसमें जो मरने वाला एक शख्स था वो डाकू था। आज जो है एसएचओ जो गिरफ्तार हुए थे इस केस के अंदर, उनके भाई ने भी इल्जाम लगाए थे एसएसपी घोटकी के पर कि वो जो है वो खुद जो है डाकुओं के साथ मिले हैं और उन्होंने एसएचओ को उसमें फंसाया। तो ये तमाम तर जब डिटेल डीआईजी को मिली है तो उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है और इस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर जो है ये मरासला भेजा गया आईजी सिंह को और ये उसमें रिक्वेस्ट की गई है कि जो है एक इंक्वायरी की जाए एसएसपी घोटकी के खिलाफ और पता चलाया जाए कि वो उनके ताल्लुक और मजीद किन किन लोगों के साथ है, क्योंकि घोटकी का जो जिला है वो डेंजर जोन में आता है और वहां पर जो है काफी सारे डाकू हैं और लोगों का अगवा होना जो है वो मामूल बना हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद ताबानी।